मीडिया न्यूज़ के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। नगर पंचायत अध्यक्ष दिव्यापुर की कार्यशैली से असंतुष्ट सभासदों ने अध्यक्ष के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। सभासदों ने आरोप लगाया कि लगभग एक वर्ष बीतने के बाद भी समितियों का गठन नहीं हो सका है, निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर धांधली बढ़ती जा रही है। अभी तक नगर के विकास कार्यों का प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। सभासद सचिन गुप्ता, मालती देवी, प्रदीप कुमार, सोनू यादव, राहुल दीक्षित, गीता देवी, प्रवीण कुंसी, प्रमोद पाल, रवि प्रकाश ने मंडलायुक्त कानपुर को नगर अध्यक्ष की मनमानी के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताया गया है कि नगर की साफ सफाई दुरुस्त नहीं है और साफ सफाई के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद नहीं की जा रही है। राहुल दीक्षित, सभासद, इंद्रनगर वार्ड नंबर 7। ये सभी सभासद आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष दिव्यापुर की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। सभी सभासद क्यों असंतुष्ट हैं नगर पंचायत अध्यक्ष की कार्यशैली से? देखिए, लगभग 1 साल होने को आई है और मीटिंग जो 6 महीने हो गई, मैं केवल बोर्ड की मीटिंग जो नहीं हो रही है उसके लिए मैं बराबर माननीय जिलाधिकारी महोदय से, कल भी मैं कानपुर मंडल आयुक्त से मिला हूँ, केवल अगर वो मीटिंग बुला लें तो कार्यशैली में काफी कुछ सुधार आ जाएगा। रही बात कूड़ा गाड़ी वगैरह की है तो इसका हमारी यू साहब से बात हुई, उनका इसका प्रोसेस चल रहा है, संभवतः 10-15 दिन में ये समस्या दूर हो जाएगी। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों की लिए देखते रहें IB इंडिया न्यूज़। तब तक चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।